हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको स्टडी पॉइंट। माय नेम इज डॉक्टर विकास यादव। प्रेजेंटली आई एम वर्किंग एज अ डॉक्टर। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि आपको कैसे अपनी नीट 2024 की प्रिपरेशन करना है, जिससे कि आप 100% 650 प्लस स्कोर लेके आ सको। तो मैं यहाँ पे आपको बच्चों टारगेट्स बताऊंगा मंथली की, कैसे कैसे आपके टारगेट होना चाहिए, कैसे आपको ऑन टाइम पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है यू नो एंड टिल अप्रैल, और वॉट विल बी द स्ट्रेटेजी जिससे कि आप उसको पढ़ पाओ अच्छे से और उसको पूरा यू नो सिलेक्शन के अंदर कन्वर्ट कर पाओ। सबसे पहले हम बच्चों आप लोगों का एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि ये जो लास्ट के आपके 9 महीने हैं, मैं 9 महीने इसलिए बोल रहा हूं, अगर आप अभी से काउंट करोगे तो 10 महीने होंगे आपके मई तक, बट बिकॉज 9 मंथ इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज हर महीने में कुछ ना कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनमें आपके दोस्त का बर्थडे आ जाता है, मम्मी पापा की एनिवर्सरी आ जाती है, कभी यू नो खांसी जुकाम सर्दी हो जाती है। तो आई थिंक सो कि 4 से 5 दिन आप नहीं पढ़ते हो, तो अगर ऐसे करके हम लगाएं तो आपका एक महीना तो ऐसे ही निकल जाएगा। तो ये जो आपके 9 महीने बच रहे हैं, इन 9 महीने में आपको कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना है। अब बच्चों पढ़ाई कैसे करना है, आप लोगों को मंथली टारगेट्स बनाने होंगे कि ऐसे हर मंथ के अंदर कि फॉर एन एग्जांपल मुझे बायोलॉजी के 5 चैप्टर पढ़ना है, फिजिक्स के 4 चैप्टर पढ़ना है, यू नो केमिस्ट्री के 4 चैप्टर पढ़ना है, और ये 100% आपको फॉलो करते चलना है। ठीक है, अब आप चाहे 11th 12th वो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो कि नहीं 11th का ये चैप्टर पढ़ लिया, 2 चैप्टर 11th के पढ़ लूंगा, 2 चैप्टर 12th के पढ़ लूंगा, वो यू कैन जस्ट सेलेक्ट ऑन योर प्रेफरेंस। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं कि पढ़ना कैसे है आपको, तो हम स्टार्टिंग कर लेते हैं बायोलॉजी के साथ। ठीक है, यू एवरीबॉडी नोज दैट बच्चों, अगर आपने किसी भी टॉपर के इंटरव्यूज देखे होंगे तो आपने देखे होंगे कि हर एक टॉपर यही बोलता है कि उसका सक्सेस का राज है कि उसने बहुत बार एनसीईआरटी पढ़ी है। आप लोग बोलोगे भैया 4-5 बार तो मैंने भी एनसीईआरटी पढ़ ली है लेकिन मेरे मार्क्स क्यों इंक्रीज नहीं हो रहा है। बच्चों टॉपर एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ ना एनसीईआरटी ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी लगाता है। आप बोलोगे भैया हम भी क्वेश्चंस लगाते हैं, बच्चों जितने क्वेश्चंस उस टॉपर ने एनसीईआरटी ओरिएंटेड लगाए होंगे ना उतने क्वेश्चंस आप सोच भी नहीं सकते। उस टॉपर का जो क्वेश्चन लगाने का तरीका होता है वो हर एक एनसीईआरटी के पेज में से जितनी लाइंस है सबसे निकाल निकाल के क्वेश्चन लगा रहा होता है। ठीक है, हर एक पेज वाइज क्वेश्चन सॉल्व किए होते हैं, तो एनसीईआरटी की जो हर एक लाइन होती है ना बच्चों वही एक एक क्वेश्चन होता है नीट का, उससे बाहर आपने देखा है कभी कुछ जाता ही नहीं है। अब आप सारे बच्चे भी उसी तरीके से प्रैक्टिस करना है कि आपको एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पेज बाय पेज करना है। कैसे करना है वो मैं आपको सिंपली तरीके से बता देता हूं बच्चों। नीट प्रेप एसेंशियल ऐप है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, उसको डाउनलोड कर लो। वहां पे एक एनसीईआरटी अभ्यास बैच स्टार्ट हुआ है बच्चों। ठीक है, इस एनसीईआरटी अभ्यास बैच के अंदर आपको एनसीईआरटी के पेज वाइज क्वेश्चन फिल्टर मिलेंगे। फॉर एन एग्जांपल मान लेता हूं आज आपने बायोलॉजी के 10 से 15 पेज पढ़े, उन जो 15 पेज आपने पढ़े हैं आप लोग वहां पे पेज नंबर का फिल्टर लगा सकते हो कि मैंने आज 210 से 225 पेज तक पढ़ा है, उन 15 पेजेस में जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस बच्चों आपको वहां पे फिल्टर होके आ जाएंगे और आपको वो सारे के सारे क्वेश्चंस लगा लेना है। ठीक है, वैसे ही सेम तरीके से आप फिजिक्स में जा सकते हो, सेम तरीके से आप केमिस्ट्री में जा सकते हो। आप बोलोगे भैया हमने नई एनसीईआरटी खरीद ली है तो क्या करें, क्या हमको नहीं मिलेगा? बच्चों वहां पे नई और पुरानी, ओल्ड वर्सेस न्यू दोनों एनसीईआरटी के हिसाब से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। दोनों एनसीईआरटी के आपको वहां पे पेज वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, हर एक एक एनसीईआरटी से लाइन से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है बच्चों। आप बोलोगे भैया फिजिक्स तो हमको ऐसे समझ में आती नहीं है, केमिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल नहीं समझ, बेटा वहां पे फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, PYQ सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता है हर एक टॉपर का, स्टूडेंट का या जो भी नीट क्लियर करता है उसका मेन एसेंस होता है कि उसने PYQ किया है कि नहीं किया। इस ऐप इस बैच के अंदर बच्चों आपको जो भी क्वेश्चन होगा उसके वहां ऊपर लिखा होगा कि ये कौन से ईयर में आया है, PYQ भी हो जाएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे बच्चों तो वहां पे आपको नीचे परसेंटेज लिखा आएगा कि कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन को सही किया है। लाइक फॉर एन एग्जांपल एक बहुत सरल सवाल था, उसको 98% बच्चे सही कर रहे हैं, और अगर आपने वो क्वेश्चन सवाल गलत कर दिया दैट मींस यू हैव टू थिंक अबाउट योर प्रिपरेशन की भाई वो सही नहीं चल रही है। तो आप अपना टेस्ट भी कर सकते हो साथ साथ में whether your preparation is going on the right path or not बच्चों। इसके अंदर all type of questions included होंगे, like assertion reason, आपको पता है आजकल कितना चल रहा है नीट के अंदर, भर भर के आ रहे हैं, मैच द क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, सीक्वेंसिंग क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं बच्चों, लाइक स्टेटमेंट दे दिया एनसीईआरटी को उठा उठा के और उनको आपको सीक्वेंस में जमाना है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस वहां पे अभी इंक्लूडेड होंगे बच्चों। अभी प्राइस इसकी 1999 है, ठीक है, 1999 रुपीज है, लेकिन ये सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है, ये आपकी 2500 में कन्वर्ट हो जाएगी जैसे ये ऑफर खत्म होगा। तो सारे बच्चे अभी जाओ और इस ऐप को डाउनलोड करके इस बैच को ज्वाइन कर लो बच्चों। पढ़ाई कहीं से भी करो, चाहे आप एलन से कर रहे हो, फिल्क्स वाला से कर रहे हो, यू नो आकाश से कर रहे हो, व्हाट एवर द सोर्स मे बी, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो यहीं से, यू नो। तो पढ़ाई करो कहीं से, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो यहीं से। दिस इज द बेस्ट थीम फॉर दिस एनसीईआरटी अभ्यास बैच। आई होप सो
बहुत हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। ये बायोलॉजी का मैंने आपको बता दिया, सेम आप फिजिक्स में कर सकते हो। आपने चार चैप्टर फिजिक्स के पढ़ लिए बच्चों, ठीक है, चार चैप्टर आपके फिजिक्स के हो गए। अब उन चार चैप्टर को भी आप लोग चाहो तो हर एक चैप्टर एनसीईआरटी के आप लोग क्वेश्चंस वहां से कर सकते हो। केमिस्ट्री पे अगर मैं आ जाऊं, आप सबको बताया बच्चों डिट्टो लाइन बाय लाइन केमिस्ट्री के क्वेश्चंस नीट के अंदर आते हैं। मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एग्जांपल ले लेता हूं। आप पी ब्लॉक पढ़ रहे हो, पी ब्लॉक में मान लो आपने आज चार पन्ने पढ़े, उन चार पन्नों के अगर आप एनसीईआरटी अभ्यास बैच से पेज वाइज क्वेश्चन लगा लोगे, मैं गारंटी बता रहा हूं बच्चों एक भी सवाल नीट में गलत नहीं होगा आपका केमिस्ट्री के अंदर भी। सो इन दिस वे यू हैव टू जस्ट यू नो आपको अपने टारगेट्स बनाते चलना है बच्चों, ठीक है। तो जैसे मैंने फिजिक्स बायोकेमिस्ट्री आपको बता दिया पढ़ना कैसे है, अब इन टारगेट्स को आपको अभी से मंथली बना के चलना है एंड टिल अप्रैल यू हैव टू कंप्लीट योर होल सिलेबस बाय हुक और बाय क्रुक। जैसे भी करके आपको अपना सिलेबस खत्म कर ही लेना है, ठीक है, आपका सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। आपने एनसीईआरटी पूरी बाय हार्ट अच्छे से कर ली होगी क्योंकि आप सारे जब सवाल एनसीईआरटी के क्लाइंट बाय लगा लोगे, आई डोंट थिंक सो किसी की एनसीईआरटी बची होगी, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है जो कि मैं आपको यू नो इवेंचुअली जब आपका जनवरी फरवरी खत्म होने लगेगा देन आई विल बी सजेस्टिंग यू टू गिव द मॉक टेस्ट, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको पूरे के पूरे मॉक टेस्ट देना है। आई विल टेल यू कि वीक में एक मॉक टेस्ट दो, देन आई विल टेल यू कि वीक में दो मॉक टेस्ट दो, और जब आपका लास्ट 15 से 20 दिन बचेंगे देन आई विल बी चैलेंज कि हर दो दिन में एक मॉक टेस्ट दो, बिकॉज मॉक टेस्ट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सिलेक्शन एंड इंक्रीजिंग योर रैंक एंड इंक्रीजिंग योर नंबर, यू नो गाइस। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोग बस कनेक्टेड रहते चलो, मैं आपको गाइड करता रहूंगा टाइम टू टाइम कि कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, यू नो। और आपको कोई भी डाउट्स होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम टेलीग्राम की लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहां पे डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो बच्चों। बस एक चीज आपको मैं बता देता हूँ, सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता इफ यू आर 100% कंसिस्टेंट टू योर सेल्फ, यू नो। अगर आप कंसिस्टेंट हो डेली, इफ यू आर डिवोटेड फॉर योर सेल्फ एंड एवरी टाइम जस्ट इफ यू वॉन्ट यू नो जब भी यू फील डी मोटिवेटेड, कभी ऐसा मन करे नहीं पढ़ाई में मन लग रहा है, जस्ट थिंक अबाउट दैट व्हाइट कोट, जस्ट थिंक अबाउट दैट स्टेथोस्कोप, जब आप वो स्टेथोस्कोप गले में डालोगे, यू आर वेयरिंग दैट व्हाइट कोट एंड यू जस्ट वॉकिंग ऑन स्ट्रीट्स एंड यू नो आपके मम्मा पापा का फेस एक बार अपने सामने यू नो फील करना कि हाउ प्राउड दे विल फील व्हेन यू विल जस्ट बिकम द डॉक्टर्स, यू नो गाइस। इतना आप कर सकते हो आई थिंक सो अपना सपना पूरा करने के लिए। सो बच्चों बस लगे रहो, पढ़ते रहो, और कुछ भी हेल्प चाहिए जो मेरे लायक होगी यू कैन एनी वे कॉन्टेक्ट विद मी, यू नो, एंड आई विल ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू गाइज। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच टाइप ऑफ वीडियोज, यू नो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप हसलिंग, कीप रॉकिंग गाइज।